हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं आस्क हेल्थ गुरु। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं या फिर आप अपने वर्क, जॉब और स्टडीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स नहीं रहता है, आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार थॉट चलता रहता है जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, या फिर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं और आपको जो है एंगर इश्यूज भी हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं आप, और आपको एक माइल्ड हेडेक बना रहता है सर में, सर भारी भारी रहता है जिससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उलझन भरे विचार आपको आते रहते हैं, और आपको जो है मेमोरी इश्यूज भी हो गए, यानी कि आप बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं और परेशान रहते हैं, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं, नाखुश हैं और लाइफ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। रात में आपको नींद जो है वो अच्छी नहीं आती, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं आपको, इंसोमनिया कहते हैं जिसे, अच्छी नींद नहीं आती आपको, और इन सब रीजंस की वजह से आप थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन फील करते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए बना है। वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां, आयुर्वेदिक योग, जिनको आप अगर यूज करेंगे तो 100% इन समस्याओं से आपको जड़ से छुटकारा मिल सकता है। पर इन औषधियों को बताने से पहले मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के बाद ही ये औषधियाँ जो हैं लेना सुनिश्चित करें। और अगर आप जो है आधा घंटा दिन में योगा और मेडिटेशन करेंगे तो और भी बेहतरीन और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो औषधियाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो चार औषधियाँ आचार्य चरक ने आयुर्वेद में बताई हैं और उनको मेध्य रसायन बोला गया है। मेध्य रसायन वो होते हैं जिनको हम पावरफुल ब्रेन टॉनिक कहते हैं। ऐसे ब्रेन टॉनिक जिनको आप यूज़ करेंगे उनका असर आपको पहली बार में ही पता लग जाएगा, और ये इजीली अवेलेबल है लोकल मार्केट और ऑनलाइन आपको ईजिली मिल जाएंगे। पहली औषधि है मंडूकपर्णी, जिसको गो टू कोला भी बोला है, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो शेंटेला एशियाटिका। ये मेध्य है प्रभाव से, यानी कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करती है और मेमोरी को भी बूस्ट करती है, और ये मेध्य रसायन में टॉप पे आती है, यानी कि नंबर वन पे है, तो ये बहुत प्रभावशाली औषधि है मंडूकपर्णी। दूसरी औषधि है यष्टिमधु, यानी कि मुलैठी, लिकोराइस। आयुर्वेद में ये मेध्य है, मधुर है, वात पित्त का शमन करती है और शीत वीर्य है, बहुत जबरदस्त रसायन है और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। तीसरी औषधि है गुडुची, यानी कि गिलोय, जिसको अमृता भी बोलते हैं। इसके फायदे आप सभी को पता लग गए होंगे, इस लॉकडाउन में गिलोही बहुत जो है इस्तेमाल हो रही है और बहुत यूजफुल है। पर क्या आपको पता है ये बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक भी है, और ये तिक्त और कषाय है, तिक्त और कषाय होने की वजह से ये ब्रेन को अलर्ट रखती है और ब्रेन को शार्प रखती है, बहुत अच्छा रसायन है और बहुत ज़बरदस्त ब्रेन टॉनिक भी है। फाइनल जो औषधि है वो है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी के बारे में भी सब जानते हैं, ये कषाय है और वात पित्त कफ का शमन करती है, यानी कि त्रिदोष शामक है, बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है, मेध्य है, रसायन है और बेस्ट ब्रेन टॉनिक में से एक है। तो इन चारों जो औषधियां हैं इनका पाउडर आपको लेना है, इक्वल अमाउंट में मिलाना है आपको, और आपका जो ब्रेन टॉनिक है ये तैयार हो जाएगा। आधी चम्मच सुबह शाम लेना है एडल्ट्स को, अगर 5 से 10 साल का बच्चा है तो उसको आप दीजिए 4 से 5 चुटकी, और 10 से 15 साल के बच्चे को 8 से 10 चुटकी। तो ये डोज जो है आप 1 महीने तक लगातार लेंगे तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कुछ ही दिनों में आपको इसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके रिजल्ट्स भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।